टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने विश्व कप 2019 के बाद से टीम इंडिया के लिए एक भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला है। ऐसे में धोनी के संन्यास को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। चयनकर्ताओं के साफ करने के बाद कि धोनी उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही नहीं, धोनी पर सबकी नजर थी। अब ऐसे में खबरों की माने तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने संन्यास को लेकर बड़ी चुप्पी तोड़ी है। जी हां, धोनी ने संन्यास को लेकर खबरों की माने तो एक लोकल अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि वो बहुत जल्द क्रिकेट के मैदान में वापसी की कोशिश करेंगे। फिलहाल धोनी का फोकस रांची की अंडर 23 टीम और रणजी टीम के साथ प्रैक्टिस करना है। उन्होंने कहा कि जब मुझे लगेगा कि मैं पूरे तरीके से मैदान पर वापसी के लिए आश्वस्त हूं, तो मैं टीम में वापसी करूंगा। वहीं धोनी के संन्यास को लेकर यह भी पहले सवाल किया जा चुका था कि क्या वो संन्यास लेंगे, तो उन्होंने कहा कि जनवरी तक कुछ मत पूछिए। यानी कि धोनी ने कहीं ना कहीं बातों ही बातों में ये इशारा दे दिया है कि वो फरवरी से भारतीय टीम में वापसी की पूरी कोशिश करेंगे और हो सकता है कि आईपीएल के बाद धोनी टीम में वापसी कर ले। हो सकता है कि धोनी का लक्ष्य अगले दो साल में होने वाले दो T20 विश्व कपों को खेलने का होगा, क्योंकि इसके बाद 2023 में विश्व कप है। शायद हो सकता है धोनी की उम्र उतनी गवारा ना दे पाए, लेकिन अगले दो साल में होने वाले विश्व कप में महेंद्र सिंह धोनी जरूर खेलना चाहते होंगे। ANP न्यूज रूम से दीपक चांद की रिपोर्ट।